फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेसिपी फ्रॉम अभिनव किचन। आज हम बनाएंगे सूजी और बेसन का हलवा। तो आइए हम देखते हैं सूजी और बेसन का हलवा बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। मैंने लिया है सूजी एक कटोरी, बेसन एक कटोरी, जितना हमने बेसन लिया है उतनी मैंने सूजी ली है, दोनों इक्वल क्वांटिटी में लिया है मैंने। चीनी ही आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग रहेगी। बारीक कटे ड्राई फ्रूट जिसमें काजू, पिस्ता और बादाम कतरन है। छोटी इलायची पाउडर और रिफाइंड ऑयल, आप चाहें तो देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम हलवा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने गैस पे पैन रख लिया है गर्म होने के लिए। अब इसमें हम डालेंगे ऑयल, ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल अब गर्म हो गया है, अब इसमें हम डालेंगे बेसन और साथ में सूजी, इसे मिक्स कर लेंगे। और इसे मीडियम फ्लेम पर हम भूनेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। मैंने यहाँ पे सूजी और बेसन दोनों इक्वल क्वांटिटी में लिया है, आप चाहें तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, पर मेरा यह पर्सनली मानना है कि अगर दोनों चीज़ इक्वल क्वांटिटी में ली जाए तो हलवा बहुत ही परफेक्ट बनता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बेसन और सूजी के हलवे में थोड़ी घी की मात्रा ज़्यादा रखिएगा, तभी हलवा बहुत अच्छा और सॉफ्ट बनेगा। बेसन को मैंने अच्छे से भून लिया है, आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो गया है, ये गोल्डन ब्राउन कलर का हो गया है और बहुत अच्छी भुने बेसन की खुशबू भी आ रही है। अब इसमें हम डालेंगे पानी, मैं एक कटोरी पानी को यूज़ कर रहा हूँ। गैस की फ्लेम हाई कर लेंगे अब, और इसी के साथ ही इसमें हम डालेंगे चीनी, इसे मिक्स कर लेंगे। ये हाई फ्लेम पर ही मिक्स करते हुए पकाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि हलवा सूखना स्टार्ट हो गया है, अब ये ड्राई हो रहा है और ये पैन भी छोड़ता जा रहा है। इसे इसी तरीके से हम 5 मिनट और भूनेंगे। इसे मैंने अच्छे से भून लिया है, अब गैस की फ्लेम हम लो कर लेंगे और हम डालेंगे इसमें इलायची पाउडर और साथ में मिक्स ड्राई फ्रूट बारीक कटे हुए। इसे मिक्स कर लेते हैं। मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, अब हम गैस की फ्लेम ऑन कर लेंगे और अब इसको हम सर्व करेंगे। तो हलवे को मैंने सर्व कर लिया है, अब इसको हम गार्निश करेंगे बारीक कटे बादाम और पिस्ते से। फ्रेंड्स, बन के तैयार है मेरा सूजी और बेसन का हलवा। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना करना भूलिएगा। थैंक यू।